वायरस इन्फेक्शन से. व्हाट प्रिकॉशंस एंड प्रिवेंशंस टू डू. पूरे घर को डिसइन्फेक्ट करना जरूरी है कम से कम दो बार दिन में. हाथों को साबुन से बार बार धोते रहें या 70% अल्कोहल कंटेंट का सैनिटाइजर वापरें. दोस्तों, मास्क जरूर पहने. मास्क पहनना आपके सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है. जो मास्क आप रोज़ाना एक या दो बार साबुन पानी से धोते रहें. मास्क मिनिमम 30 सेकंड्स आप साबुन से, डिटॉल साबुन से या किसी भी साबुन से धोते रहें. अगर इमरजेंसी है, घर के बाहर जाना पड़ रहा है दोस्तों आपको, तो ग्लोव्स ज़रूर पहने. ग्लोव्स पहनने के पहले आप हाथों को सैनिटाइज करें सैनिटाइजर से, और ग्लोव्स के सरफेस पे भी सैनिटाइजर अप्लाई करें. दोस्तों, याद रहे, जितना आप लोगों के संपर्क से दूर रहेंगे, घर से कम निकलेंगे, उतना ही ज़्यादा आप सेफ और सुरक्षित रहेंगे. फिजिकल डिस्टेंसिंग मिनिमम 3 मीटर्स. दोस्तों, जब आप शॉपिंग कर रहे, खरीद रहे, तो पैकेट्स को, सब्जियों को या चीज़ों को आप खुद हाथों में नहीं लें, हाथ नहीं लगाएं और थैलियों में डालने को बोलें. दूसरों के संपर्क से दूर रहें. अवॉइड मोर कंटेमिनेशन, मोर कम्युनिकेशन एज फार एज पॉसिबल. दोस्तों, कोशिश करें कच्ची सब्जियां, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पत्ते वाली सब्जियां ना लाएं घर में, और सूखी सब्जियां, चना, छोला, राजमा, ऐसी सूखी सब्जियां करीबन 50 से ज़्यादा हैं, वो घर में पकाएं और खाएं. तो जब आप मेडिकल स्टोर पे, दवाई के दुकान पे जाते हैं, तो ज़्यादा ही अलर्ट, खबरदार रहें, कॉशियस रहें, क्यों यहाँ मेडिकल स्टोर पे ही आपको वो लोग मिलेंगे जो कोरोना पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव होके दवाइयाँ खरीदने आए होंगे शायद, और कोरोना इन्फेक्टेड रहेंगे. डिस्टेंसिंग ऑफ 3 मीटर्स मिनिमम. लोगों से मेडिकल स्टोर पे या और कहीं, और दुकानदारों से भी ज़्यादा गुफ्तगू ना करें, गॉसिप्स ना करें. क्यों, बातें करते करते हो सकता है माउथ से स्नीजिंग आउट हो और माउथ के पिक के ड्रॉपलेट्स, छींके आपके ऊपर आके गिरे. फ्रेंड्स, इफ यू आर मूविंग आउट ऑफ योर होम फॉर सम इमरजेंसी शॉपिंग विदाउट ग्लोव्स, विदाउट मास्क, विदाउट सैनिटाइजर बॉटल इन योर पॉकेट, इट मीन्स यू आर प्लेइंग विद द फायर. इट मीन्स यू आर एंडेंजरिंग योर लाइफ. इट मीन्स यू आर केयरलेस. इट मीन्स यू आर नॉट सीरियस टू योर ओन लाइफ. इट मीन्स यू आर नॉट सीरियस आर केयरफुल फॉर योर चिल्ड्रेन हु आर डिपेंडेंट ऑन यू. बी सीरियस, बी वेरी सीरियस फ्रेंड. Precautions and preventions are better than cure. Please remember it. Please remember, this time is of contagious disease, most dangerous disease. You have to protect yourself. Dosto, ghar mein har layi hui cheez, packet, parcels, plastic containers ko disinfect sabun se या सैनिटाइज करके बाद में ही वापरें. सबसे चीप एंड बेस्ट है साबुन की झाग में आप वो चीज़ें, वस्तुओं के डिसइंफेक्ट करें. साबुन की झाग में ये चीज़ें, पैकेट्स धोना प्रूविन है और सेफेस्ट है. दोस्तों, नॉनवेज खाना अवॉइड करें जब तक कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाते. घर का फर्श दिन में 2 बार डिटॉल से डिसइंफेक्ट करें. पोछा लगाएं. घर में कोई भी बाहर का नौकर ना आने दें. ऐसा कोई भी घर में नौकर ना रखें और रिस्क ना लें जो बाहर से आता हो. हाँ, आपके घर में कोई 24 घंटे रहने वाला नौकर हो और उसको आप डिसइंफेक्ट करें, सैनिटाइज करते रहें, तो ही आप नौकर घर पे
यूज़ करें, और जो आपके घर में नौकर रहता ही है 24 घंटे वहाँ ही घर पे ही रहता है, उसको बाहर न निकलने दें। हर कोई खड़ा हुआ व्यक्ति जो कोरोना संक्रमित है वो अकेला करीबन 450 लोगों को संक्रमित करता है, पॉजिटिव बनाता है, बाय कॉन्टैक्टिंग, बाय स्पीकिंग, बाय टॉकिंग एंड बाय स्नीजिंग विथ अदर्स, बाय ट्रांसफरिंग माउथ ड्रॉपलेट्स टू अदर्स वाइल टॉकिंग, बाय टचिंग अदर्स एंड बाय कमिंग नियरर टू अदर्स इवन एंड बाय स्पिटिंग टू। बस थान लो, कोई भी बाहर का आदमी आपके तरफ आते हुए लगा तो सोच लो, करंट लगा दो अपने बदन में 840 वोल्टेज का कि ये आपको संक्रमित कर सकता है। बाहर से लाई हुई चीज़ें हो सकता है तो आप साबुन पानी की झाग से ट्रीटमेंट देके एक सूखे सरफेस पे 2-3 दिन रख दो। धूप में 38 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहता है, तो हाई टेम्परेचर में ये वायरस मर जाता है। वैसे तो ये वायरस एक प्रोटीन ही है जो हाई टेम्परेचर में और साबुन पानी में डिसइंटीग्रेट हो जाता है इनटू पीसेस। ये वायरस जो एक प्रोटीन है वो 30 सेकंड्स में साबुन पानी की झाग में या हाई टेम्परेचर मोर देन 38 डिग्री सेंटीग्रेड या फिटकी सिरके के पानी में टूट जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है। दोस्तों, हम भारतीयों की खुशकिस्मती है, गनीमत है कि कोरोना इन्फेक्शन गर्मियों में आया जबकि हाई टेम्परेचर था हमारे भारत में, जो पश्चिमी देशों को नहीं प्राप्त हो सका। दोस्तों, स्ट्रांग इम्यूनिटी हमारे शरीर में होने के कारण स्ट्रांग एंटीबॉडीज लाइक सोल्जर्स हमारे शरीर में डेवलप होती है जो वायरल अटैक पे वायरसेस से फाइट करते हैं और जीत जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, जो बुजुर्ग हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चे हैं, कमज़ोर इम्यूनिटी वाले हैं, वो घर के बाहर ना निकलें तो ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा सेफ। दोस्तों, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाना है। इम्यूनिटी को स्ट्रांग बना के फाइट करना है ताकि हमारी एंटीबॉडीज हमारे शरीर की जीत जाएं वायरल अटैक से। नंबर 1, गर्म पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, दिन में करीबन 3-4 लीटर गर्म पानी। नंबर 2, हल्दी गर्म पानी मिक्स करके पिए भी और बाफ लें। नंबर 3, काढ़ा ज़रूर पिए, दिन में 3 बार गर्म गर्म काढ़ा पिए ताकि वो थ्रोट के आपको लगना चाहिए जैसे चाय गर्म पीते हैं सिप सिप करके। अब कौन सा काढ़ा पिएं दोस्तों, जिसमें काली मिर्च, लौंग, अजवाइन, हल्दी, दालचीनी, मुनक्का, ये स्पाइसेस हर्ब्स ज़रूर हों काढ़े में। और इन स्पाइसेस डालने के बाद उस काढ़े में आप ज़्यादा हीट ना दें क्योंकि हीट और फायर इनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ को किल कर देती है। दोस्तों, बराबर है, ये संक्रमित बीमारी है, कॉन्टेजियस बीमारी है, लेकिन जो व्यक्ति ये काढ़े की चीज़ें खाते हैं या काढ़ा पीते हैं उनके सामने ये बीमारी, ये डिजीज़, ये इन्फेक्शन हार जाता है। तो दोस्तों, घबराएं नहीं, डरें नहीं, जस्ट ये 3 बातें करें और कोरोना वायरस को हराएं। तो सिंपली हथियार है हमारा इम्यूनिटी को ज़बरदस्त स्ट्रांग बनाना, नो पैनिक। इसीलिए दोस्तों, लापरवाही ना बरतें और इम्यूनिटी को मजबूत और स्ट्रांग बनाएं इन बताई हुई 3 स्टेप्स को, 3 चीज़ों को अपना के। बी अलर्ट, बी हेल्थ कॉशियस, खुद भी स्वच्छ बने और स्वच्छ वातावरण बनाएं, स्वच्छता रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। स्वीट बेस्ट ऑफ लक दोस्तों।